हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया, सब ठीक ठाक। आज का ब्लॉग करते हैं यहाँ से स्टार्ट। दोस्तों वीडियो में रहो, आज आप लोग को दिखा रहे हैं काम क्या क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसमें गियर बक्सा उतर रहा है, आज आप लोग को बताएंगे गियर बक्सा कैसे उतरता है। इसका क्लच जल गया है इसलिए गियर बक्सा उतर रहा है। दोस्तों देखो क्या क्या खोलना पड़ता है, आप लोग को दिखा रहे हैं। उतर रहा है नीचे से, पहले तो सापट खोलना पड़ेगा। सापट खोल के पीछे से भी आगे से इसको खोल के तब हाइड्रोलिक पंप भी खोला जाएगा। ये वाला तो हाइड्रोलिक पंप नहीं खुलेगा, हाइड्रोलिक पाइप खुलेगा। इसमें से तेल निकाल कर तब इसको गियर बक्सा उतरेगा। अभी उधर और सब खोलना पड़ेगा, नट बोल्ट। ये आगे वाला भी सापट खोलना पड़ेगा, ये भी पाइप खोलना पड़ेगा ना। इसे ये भी दोस्तों पाइप खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये गियर बक्सा की इधर भी बोल्ट खोलना पड़ेगा, ये वाला बंद है, ये वाला ये भी खोला खोला गया है। इसको भी प्लस सिलेंडर ये भी है। तो भाई ये भी खोलना पड़ेगा, पत्ती है तभी निकलेगा ये सापट। यहाँ पर भी दो बोल्ट लगता है, इसको भी खोलना पड़ेगा। इधर खुल गया है बोल्ट वोल्ट, नीचे का सापट खोलना बाकी है। अभी तो नीचे का खोलना ही है ये वाला। अब दोस्तों ये है गियर का सेंसर, ये भी खोला गया है। गियर बक्सा का सेंसर यही है, दिखा रहा है गियर बक्सा और कैसे खुला है। दोस्तों बोल्ट खुला है इधर का गियर बक्सा का। तो ट्राली लगा कर इसको उतरा जाएगा को। इधर ये बोल्ट दो खोलना है बस। तो आगे का आध बोल्ट है, कैसे लग रहा है इसको लगा कर ट्राली चला जाएगा गियर बक्सा। आप इसको साथ में बुला लीजिएगा, साइड वाले से बोला करो भाई सब्सक्राइब करवा। देखो भाई ट्रेली लग गया है, गियर बक्सा कैसे उतर रहा है आप लोग को दिखा रहे हैं। उतरने का तरीका देखिए दोस्तों, कैसे उतारा जाता है गियर बक्सा पूरा वीडियो। दोस्तों देख बने रहो हमारे वीडियो को, स्किप मत करिए, समझ में नहीं आएगा आप लोग। सिलेंडर ऊपर रख दे, ऊपर डाल दे, ऊपर डाल दे, नीचे पाइप टूट जाएगा। सिलेंडर ऊपर कर दो। दोस्तों इसको यहाँ से उठाया जा रहा है ट्रॉली को, यहाँ से इसको ट्रॉली को उठाया जाता है। देख लो कैसे उठ रहा है। पहले इसको दोस्तों सही से बैठा लेना पड़ेगा ट्रॉली को, इसको सीधा करके लगाया जा रहा है इसके बीचों बीच में, वहाँ पे लगेगा। देखो भाई उठ गया वहाँ तक। तो दोस्तों यहाँ तक लगना चाहिए ट्राली, यहाँ तक इसको लगा कर वहाँ से पूरा पकड़ लेगा तो उठाया जाएगा। इसका गियर बक्सा टाटा गाड़ी का बहुत बड़ा है, लीलैंड गाड़ी का थोड़ा छोटा आता है। आगे जाके देख। तो दोस्तों यहाँ दोनों सापट निकालना पड़ेगा तभी खुलता है गियर बक्सा। इसको निकाला जा रहा है, देखो कैसे एडजस्ट किया जाएगा पहले ट्राली को तब उधर। तो भाई कैसे बैठ गया वहाँ तक, उधर उस साइड पटरा डाल दो। दोस्तों इसको निकाला जा रहा है गियर बक्सा, कैसे कैसे निकल रहा है यार अभी। दोस्तों निकल गया है गियर बक्सा, कैसे इसको निकाला जा रहा है बाहर, आप लोग को दिखा रहे हैं इसके अंदर क्या क्या खराब हुआ। देखो दोस्तों प्रेशर प्लेट खुल गया है, इसको चेक किया जा रहा है। इसमें घाट घाट रहता तो कट जाता है, हाँ वो ऐसा ही है। प्रेशर प्लेट अभी खुल रहा है, ओ क्लच प्लेट, क्लच प्लेट खुल गया है। ये देखो दोस्तों ये क्लच प्लेट है, तो अभी क्या उसमें निकाला ना, ये थोड़ी निकालना। दोस्तों क्लच प्लेट भी सही है अभी, इसमें नहीं कटा पीटा है कुछ भी। और दोस्तों ये है क्लच प्लेट, ये एकदम सही है। अब देख रहे हैं फ्लाईव्हील में क्या दिक्कत है, दिखा रहे हैं दोस्तों।
वो दोस्तों प्रेशर प्लेट फुल रहा है, आप लोग को दिखा रहे हैं उसमें क्या दिक्कत है। इसके अंदर अभी लगा ये तो निकला ही नहीं, वो कैसे खुल रहा है प्रेशर प्लेट। वो दोस्तों ये क्लच सिलेंडर है, इसका नाम है क्लच सिलेंडर, क्लच का काम करता है दोस्तों। ये खराब हो गया है, देखो दोस्तों ये दांता इसका टूट गया है, ये तो पलट के लग जाएगा। देखो दोस्तों टूट गया इधर का पलट, कब लग जाएगा इसमें, इसमें अब फिनिशिंग होगा। इसको गरम कर फटकर निकाल, निकाला जाएगा। देखिए कैसे निकल रहा है काड़ा को, तो कैसे निकल रहा है काड़ा है, निकाला जाता है। छोड़ा, हाँ छोड़ दिया, अब तो छोड़ दिया, कैसे निकाला जा रहा है इसको काड़ा को। अभी थोड़ी लगाएगा, हो जाएगा तब लगा नहीं है ना। हाँ आखिर में फिनिशिंग में जाएगा। कैसे निकल रहा है, कट गया ना, निकल गया क्या अब नहीं पलटेगा। निकल गया, चारों तरफ है, चारों तरफ टूटा है। ये भी फिनिशिंग होगा ना, क्या फिनिशिंग, इसको क्या होगा यार, गर्म होकर लगे इसका दाता भी। दाता गरम करोगे इसको डीजल से है? तो दोस्तों ऐसे कड़ा गरम होगा ये, जो डांटे घिस गए हैं वो अंदर की साइड जाएंगे, ये वाला है। देखो दोस्तों ये कपड़ा चारों तरफ से डीजल कपड़ा बना गया है, बाहर इसको गरम करके तब फिटिंग होगा। देखो दोस्तों कैसे इसको गरम किया जा रहा है, अरे लगा जल जाएगा, कड़ा को लगा सब जलेगा, लगा जल जाएगा, चलाओ। देखो इसमें आग लगाया जा रहा है, देखो दोस्तों कैसे आग लग रहा है इसमें, जल जल रहा है। देखो देखो दोस्तों इसको कैसे गर्म किया जा रहा है, ये लोग काड़ा को जब गर्म, देखो दोस्तों कितना आग तेज जल रहा है, इसको पूरा जला के इसको गर्म कर दिया जाएगा, गर्म करके तब उसमें फिटिंग होगा प्रेशर प्लेट में। काड़ा है ना ये, देखो दोस्तों इसको जला दिया गया है, कपड़ा को अब निकाला जा रहा है, गर्म हो गया है। अब देखो फिटिंग हो रहा है, आप लोग को दिखा रहे हैं कैसे फिटिंग किया जा रहा है। हाँ ऐसे इसको झाड़ दो काड़ा को, और दोस्तों इसको फिटिंग किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा आसान फिट हो गया, ढीला हो गया, तो ढीला हो गया, कैसे फिटिंग क्या हो गया है, पानी पानी इसको पानी डाला जा रहा है ठंडा के लिए, चला जाएगा अब ठंडा हो जाएगा, इसका थोक देना था ठंडा हो जाएगा, तो हाँ ठंडा करने के लिए पानी डाला जा रहा है। दोस्तों फिटिंग हो गया है, उसको रगड़ देना दांता, वो दोस्तों फिट हो गया है, इसके दांता में कचड़ा है उसको साफ किया जा रहा है, साफ करके लगाया जा रहा है। तो ऐसे नहीं लगाया जाता है, कचड़ा इसमें निकाल के क्या। वो दोस्तों देखो फिटिंग होने जा रहा है, कैसे हो रहा है आप लोग को दिखा रहा है फिटिंग में। दोस्तों फिटिंग हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं था ना क्लच प्लेट में ना प्रेशर प्लेट में, इसमें बस यही दिक्कत था काड़ा चेंज करना था, ये काड़ा चेंज हो गया है, दाता इसका टूट गया था तो प्लट के लग गया है। तो फिटिंग हो रहा है दोस्तों, आप लोग को दिखा रहे हैं कैसे फिटिंग हो रहा है प्रेशर प्लेट। दोस्तों गियर बक्सा फिट हो रहा है, कैसे फिटिंग हो रहा है गियर बक्सा, ये गियर बक्सा चढ़ गया है नीचे, दिखा रहे हैं आप लोग, देखिए फिटिंग हो रहा है, बैठ गया है, टाइट वाइट हो रहा है, इधर गियर बक्सा का बोल्ट लगा कर टाइट कर रहा है सब उस्ताद, फिर पाइप वाइप भी लग रही है, अभी दिखा रहे हैं आप लोग को कैसे लग रहा है पाइप वाइप और सपाटोपट। दोस्तों वीडियो में बने रहो, कोई इधर काम चल रहा है, टाइट हो रहा है गियर बक्सा। तो दोस्तों गियर बक्सा फिट हो गया है, इधर ट्रॉली निकला गया,
टाइट हो रहा है नीचे का बोल्ट अभी, और सब बहुत काम बाकी अभी रह गया, अभी तो पाइप वाइप लगाना है। ये सारा भी पाइप बाकी है लगाना है, हाइड्रोलिक पाइप। देखो भाई सब पाइप वाइप लग गया है, बस सापट सापट लगाना है, पाइप वाइप गेयर और लग गया, गेयर बक्सा लग गया, गेयर और बढ़िया फिटिंग हो गई है दोस्तों, चेक चाक हो गई, मैं गाड़ी तैयार हो गई है। अब दोस्तों सब इधर लग गया है, गेयर बक्सा उसका उसका इंड उंड जो भी लगाना है, गाड़ी बन ओके हो गई दोस्तों। हमारे YouTube चैनल में गुलशन ओपनिंग बने रहो दोस्तों, आप लोग को और आगे का काम दिखाते रहेंगे।